हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय सुशीला जी, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा ब्रजेश मिश्रा, आई एम फ्रॉम यूपी रायबली। मैं एक होम सेफ हूँ। अभी अभी थैंक्स फॉर मुक्ता जैन एंड कविता मैम फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर लाइव अमूल फेसबुक पेज। तो वेलकम टू अमूल फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याजा। तो उसके लिए सबसे पहले आइए हम इंग्रीडियंट्स दिखा देते हैं, फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर अमूल का दूध लिया था, जिसे हमने घर पर ही पनीर बनाया है। तो ये लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर है। और हमने आधा लीटर दूध से घर पर ही ये हमने दही जमाई थी। और हमने यहाँ पर एक प्याज लिया था, जिसे हमें ग्रेट करना है, चॉप नहीं करना है। और हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसे भी हमने ग्रेट ही किया है। 2 हरी मिर्च ली है, और इसके साथ हमने अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया है। और यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है। इससे हम 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, और ये हमने यहाँ पर नमक लिया है, और हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हम बस इसमें 1 पिंच ही ऐड करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली का पाउडर, और डालकर इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यूज करने का पर्पज यह है कि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल का यूज किया है। तो इस तरह से अच्छे से हमें स्पून की सहायता से ही मिला लेना है, जिससे कि सारे मसाले पनीर पे अच्छे से कोट हो जाएं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही हम यहाँ पर ज्यादा नहीं डालेंगे, ओनली हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही दही हम ऐड करेंगे, और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। तो ये देखिए, दही और मसाले के साथ अच्छे से पनीर हमारी कोड हो चुकी है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे कवर करके। चलते हैं, हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाला था, और इसमें हमने पहले प्याज को डाइस में कट करके 1 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हाय सुशीला जी, हाय सपिता गौतम जी, हेलो अंजलि, हाय अंजलि, हाँ आज अंजलि ने पकड़ लिया, सही पकड़े हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है,
हम इसमें पहले पनीर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारे गरम हो चुका है, अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। आप चाहे तो गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं, बट हम इसे थोड़ा सा बस सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करेंगे। इस तरह चलाते हुए बस हमें इसे थोड़ी देर ही हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। प्याज मैंने पहले ही 1 मिनट के लिए रोस्ट करके रख दिया था। जैसे ही पनीर हमारे हल्के से फ्राई हो जाते हैं, हम उसे निकाल लेंगे। बस इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही इसे हम फ्राई करेंगे। आप अपने पसंद के साथ से गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हो। तो ये देखिए पनीर हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। हमने यहाँ पर एक तेज पत्ता लिया है, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 लौंग लिए हैं, 3 से 4 हमने यहाँ पर काली मिर्च लिए हैं और 2 हमने यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली छोटी वाली इलायची होती है उसे लिया है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जीरा, डालकर सारी चीजों को हम जीरा के चटकने तक इसे हम सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे खड़े मसाले हमारे कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो हमने ये ग्रेट करके रखा था। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक प्याज अच्छे से कुक ना हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें हमें ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं करना होता है, बस तब भी ये बहुत ही
स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से चलाते हुए हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, उसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज हमारी लगभग कुक हो चुकी है, बस इसे हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ये 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके टमाटर डालने का रीजन ये है कि जो इसका रेसे है वो सब्जी में हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसे ग्रेट करके ऐड किया है। अब इसके जस्ट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हाफ टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हमने यहाँ पर 2 चम्मच धनिया का पाउडर लिया था वो हम ऐड कर देंगे, और ये हाफ टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और यहाँ पर ये हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया वो भी ऐड कर देंगे। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। हेलो कविता दी, कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। बस हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं, और जैसे ही ऑयल छोड़ने लग जाएगा उस स्टेज पर हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाले हमारे लगभग कुक हो चुके हैं और साइड साइड से ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और डालकर 1 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले कितने अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे
एक कप पानी, और इसे हम बॉयल आने तक कवर करके पकाएंगे। बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। बहुत कम मसाले भी यूज होते हैं, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट बहुत ही इजीली बन जाती है। आप इस सब्जी को बनाकर राइस, चपाती, पराठे, पूरी किसी भी चीज़ के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाले के साथ, पानी के साथ मसाले भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं और एक अच्छा सा बॉयल आ गया है हमारे मसालों में। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इसे पनीर दो प्याजा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें प्याज टू फॉर्म्स में यूज करते हैं। एक तो हम डाइस में कट करके डालते हैं और एक इसकी हम जो हम ग्रेट करके डालते हैं। इसमें हम टू फॉर्म्स में पनीर वो सॉरी ऑनियन यूज करते हैं, इसलिए हम इसे पनीर दो प्याजा बोलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर प्याज पहले से एक मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस एक मिनट हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इसका क्रंच इसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्याज को ज़्यादा फ्राई ना करें। सब्जी हमारी लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला से भी हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हम हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है और साथ के साथ इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे भी हमारी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप पनीर और आलू की सब्जी में कसूरी मेथी जरूर ऐड करें। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो ये देखिए कितनी जल्दी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसमें गार्निश के लिए डाल देंगे हरी धनिया पत्ती जो हमने पहले से कट करके रखी थी। तो ये लीजिए हमारी पनीर दो प्याजा बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर दो प्याजा रेडी हो गई बनके और साथ में मैंने चपाती और सलाद के साथ इसे सर्व किया है।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।